ही गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज हम बना रहे हैं बहुत डिलीशियस पनीर की सब्ज़ी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब्ज़ी लहसुन प्याज वाला है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का बहुत ही टेस्टी सब्जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई गरम करेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद यहाँ 6 से 7 बादाम और 6 से 7 काजू को हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर हम थोड़ा सा डाल देंगे, लगभग 2 टमाटर को रफली चॉप काट के इसमें डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ जो है हमारा ये भून चुका है, अब इसका हम बना लेंगे पेस्ट। तो यहाँ मिक्सर के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तब तक यहाँ इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल 2 चम्मच, आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता और 1 लाल सूखा मिर्च तोड़कर हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। यहाँ हमारा चटक चुका है। अब ये जो बना पेस्ट है हमारा टमाटर बादाम और काजू वाला, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक का टुकड़ा को पेस्ट बना लिए थे, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, यहीं पे डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और लास्ट में गरम मसाला पाउडर। यहाँ मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें जब हल्का हल्का तेल छूटने लगे तो इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो ध्यान रखें, कसूरी मेथी पहले ही डालें, बाद में डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो सब्जी में पहले डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे हम भून लेते हैं। अब यहाँ हम पनीर लिए हैं, तो पनीर के थोड़े से पार्ट को हम कद्दूकस कर लिए हैं और बाकी हम इसे पीस में काट लिए हैं। और यहाँ जो है मसाला हमारा भून रहा है। अब इस कंडीशन में हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसे चला लेंगे। चलाने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, एकदम जब तेल ये तले छूटने लगे। अब इस कंडीशन में जो हमारा कद्दूकस किया हुआ पनीर है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी इसमें डाल के मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ जो है हमारा अच्छे से मसाला वगैरह सब भून चुका। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे ग्रेवी। तो यहाँ पानी डालने के बाद अच्छे से मसाले वगैरह को मिला लेंगे और उसके बाद इसको ढक कर 1 उबाल आने देंगे। तो यहाँ जो है हमारा 1 उबाल आ चुका है और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है इस ग्रेवी में से। अब यहाँ जो है हमारा जो पीस में कटा हुआ पनीर है उसको हम इसमें डालकर और चला लेंगे अच्छे से। तो आप इस तरह से बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाकर ज़रूर खाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे गैस को बंद और ऊपर से डाल देंगे धनिया का पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता से हम गार्निशिंग कर देंगे। और उसके बाद ये लीजिए, हमारा पनीर का बिना लहसुन प्याज का सुपर टेस्टी सब्जी तैयार है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के